हिमाचल के कुल्लू जिला में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कुल्लू की तबाही राजस्थान के अजमेर जिला के अंबेडकर नगर ब्यावर गांव को गहरे जख्म दे गई है। कुल्लू मनाली की वादियों में घूमने आए ब्यावर गांव के सात युवक भी इस प्राकृतिक आपदा की बलि चढ़े हैं। इनमें से चार के शव बरामद हो गए हैं, वहीं तीन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तीनों युवकों के परिजनों को अभी भी आस है कि उनके लाडले कहीं से सकुशल लौट आएंगे। बता दें कि राजस्थान के अजमेर जिला के ब्यावर गांव के साथ युवक नरेंद्र उर्फ बबलू, चेतन, साहिल तेजी, लालचंद, नितेश पंडित, संदीप सांगेला और अक्षय कुमावत ने कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बनाया। 7 जुलाई को सभी ट्रेन से राजस्थान से निकल पड़े और चंडीगढ़ से टैक्सी कर 8 जुलाई को हिमाचल पहुंच गए। युवक अपने इस ट्रिप को लेकर काफी खुश और उत्साहित थे। वीडियो बनाते और मस्ती करते मनाली की तरफ बढ़ रहे थे। इस बात का अंदाजा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए उनके आखिरी वीडियो से लगाया जा सकता है। उस वक्त तक उन्हें मालूम न था कि आगे किसी मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही है। 8 जुलाई को एक युवक साहिल तेजी की अपने पिता से आखिरी बार बात हुई थी। उसने पिता को कहा था कि वे रास्ते में चाय पीने रुके हैं और मनाली पहुंचने वाले हैं और होटल पहुंचकर फोन करेंगे। इसके बाद से युवक से संपर्क नहीं हो पाया। दोस्तों के फोन भी बंद आए। परिजनों को चिंता होने लगी, पर परिजनों को इस बात का पता न था कि कुल्लू में आई प्राकृतिक आपदा ने युवकों को लील लिया है। बादल फटने से आई बाढ़ के चलते युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। चार युवकों नरेंद्र उर्फ बबलू, चेतन, साहिल तेजी और लालचंद के शव बरामद हो गए हैं। वहीं नितेश पंडित उम्र 34 साल, पुत्र पप्पू पंडित, संदीप सांगेला उम्र 32 साल, पुत्र धर्मी चंद सांगेला और अक्षय कुमावत उम्र 30 साल, पुत्र राजेंद्र प्रसाद का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ब्यावर में तीनों युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनके लाडले कहीं से लौट आएंगे। अक्षय कुमावत के हाथ और पीठ पर टैटू बने हैं व नितेश पंडित के हाथ पर भी टैटू हैं। परिजनों ने हिमाचल सरकार और कुल्लू प्रशासन से मांग की है कि उनके बेटों की तलाश की जाए। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।